दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बात करेंगे ANC कॉइन एंकर प्रोटोकॉल कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में। अभी इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 2.6 USDT चल रही है, अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के अंदर ये कॉइन आपको वापस से देखने को मिल रहा है। तो कौन से एरियाज जो आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं और आने वाले दिनों में आपके लिए कौन से टारगेट्स हो सकते हैं एज अ ट्रेडर, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नज़रें बनाए रख सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक CoinDCX ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से CoinDCX ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें मिल रहा 100 रुपये का इथेरियम साइन अप बोनस और आप अपने दोस्तों को रेफ़र करके भी यहाँ पर इथेरियम अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तभी आपको साइन अप बोनस देखने को मिलेगा। अभी इसकी प्राइस 2.6 USDT पर चल रही है। डेली क्लोजिंग के अंदर देखें तो प्रीवियसली इसने 6.2 USDT वाला हाई बनाया था और वहाँ से फिर लगातार हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। प्रीवियसली हमने आपको एंट्री पॉइंट शेयर किए थे जहाँ पर इसके बिनांस पर लिस्टिंग हुई थी, उसी टाइम पे हमने ऑलमोस्ट 1.5-1.6 पर इस कॉइन को की प्राइस चल रही थी, वहाँ पर हमने बाई करने को बोला था और जिन लोगों ने बाई किया होगा उन्होंने एक अच्छा खासा मुनाफा इस कॉइन के अंदर लिया। एज अ ट्रेडर कहें या शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से भी कहें, जब इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा था 6 USDT 5.9 के अराउंड में इसकी प्राइस चल रही थी, वहाँ पर भी हमने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने बताया था कि 6 USDT पर आपको सेल आउट करना है और बहुत सारे लोगों ने सेल आउट किया होगा, वो वीडियो चैनल पर डला हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी वापस से एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के अंदर है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आता है कि हमने इस कॉइन को 5.4 पर बाय किया हुआ है, 5 USDT पर बाय किया हुआ है। तो उन लोगों को मैं बताता हूँ कि आपको जब भी कॉइन में अप ट्रेंड देखने को मिलता है, हालांकि उसमें अप ट्रेंड होता है जब हम सेल कर देते हैं उसके बाद और अच्छा मोमेंट होता है, लेकिन हमें इस ब्रेकआउट में उलझना नहीं है कि ऊपर की तरफ हमने बाई कर लिया। अब अगर बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 USDT या 5.5 पर भी बाई किया है, वो वहाँ पर उलझ कर रह गए हैं और वो उनकी उनका जो अमाउंट है उनको नॉर्मल से नॉर्मल वैसे ही बिना बियर मार्केट में उनको 50% का लॉस हो रहा, बिना कोई मार्केट डाउन हुए, क्योंकि एक करेक्शन लेवल रहता है और एक नॉर्मल से नॉर्मल इतना करेक्शन आता है। वही चीज़ें हमें देखने को मिली प्रीवियसली, इससे रिलेटेड एक अच्छी खासी न्यूज़ थी। इसने ऑलमोस्ट $1 बिलियन का मार्केट कैप गेन किया था। इससे रिलेटेड एक इसकी वेब 3 की हिकातन थी यहाँ पर 18th-20th March की, उससे पहले हाइप क्रिएट हुई। टेरा कम्युनिटी का कॉइन है ये, तो हालांकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा देकर जाएगा, ये हमने आपको पहले भी बताया है। तो ये तो हो गई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब नीचे की तरफ इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है देखिए, 2.6 पर ये ट्रेड कर रहा है, 2.4 USDT एक सपोर्ट एरिया इसके लिए, वहाँ तक इसकी प्राइस जा सकती है अगर वो ट्राई करेगा तो। हालांकि 4-5 दिनों से प्राइस में स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो मैं कहूँगा कि 2.5 तक इसकी प्राइस अगर जाती है तो आप यहाँ पर 2.5 पर इस कॉइन को बाय कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट एंट्री की अगर बात करें, यहाँ पर मैं फर्स्ट एंट्री की अगर बात करें तो 2.5 का राउंड में आप ले सकते हैं, वो रहेगा आपके 50% पार्ट से। जो भी आप अमाउंट लगाना चाहते हैं 10,000 INR या फिर 100 USDT जो भी आपके पास है, उसका 50% पार्ट आपको यहाँ पर लगाना है 2.5 के अराउंड में। उसके बाद अगर 2.4 USDT वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक करता है और नीचे की तरफ देखने को हमें प्राइस देखने को मिलती है तो ऑलमोस्ट 2.2 USDT का राउंड में आपको सेकेंड एंट्री लेनी, उससे पहले हाथ नहीं डालना है। 2.25 से लेके 2.2 USDT का राउंड में आपको सेकेंड एंट्री लेनी है, जो कि आपकी 30% पार्ट से रहेगी 2.25 के राउंड में। 30% पार्ट फर्स्ट एंट्री 50% पार्ट से हो गई, सेकेंड एंट्री 30% पार्ट से, और उसके बाद अगर वर्स्ट केस में सिनेरियोस बनते हैं, प्राइस एक्शन और नीचे की तरफ होता है, बाय द चांस वापस BTC नीचे की तरफ आता है, 40,000 को वापस टच करता है या उससे नीचे आता है, तो वापस से देखिए BTC में मूवमेंट नीचे की तरफ रहता है तो कॉइन्स कहीं पर भी हो उनमें गिरावट देखने को मिलती है, तो फिर आपको इस कॉइन को अंडर 2 USDT आपकी थर्ड एंट्री रहेगी, जो कि बाकी जो 20% पार्ट से उससे रहेगी। ये आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी। मैं हर बार बताता हूँ, बहुत लोगों ने ये जो 6.1
6.2 USDT से ये ऑलमोस्ट 4 USDT या उससे नीचे आया था, वहाँ पर भी बाई कर लिया होगा मुझे पता है। जिन लोगों ने बाई किया वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वहाँ हालांकि उनके उनसे उनके भी मैं कमेंट्स के जवाब दूंगा अगर कोई क्वेरीज है। तो इसके बाद टारगेट्स की अगर बात करें तो अगर आप एज अ ट्रेडर एंट्री लेते हैं और 2.4 के अराउंड में आप 2.35 या 3 के अराउंड में आपकी एवरेज बाइंग रहे, इसके बाद ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 2.85 USDT इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, जो कि निकल कर आ रहा है इसका 50 डेली मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन है, सॉरी हाँ 50 डेली मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है 2.85 USDT। इस एरिया को अगर ब्रेक करता है और इससे ऊपर डेली क्लोजिंग करता है तो फिर ऑलमोस्ट इसको सपोर्ट एरिया मेंटेन करेगा और 3.4 से लेके 3.5 USDT इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। और एज अ ट्रेडर अगर आप एंट्री लेते हो तो 3.5 आपका 3.3 से लेके 3.5 आपका टारगेट रहेगा, ऑलमोस्ट 40% तक का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा वहाँ। उसके बाद अगर आपका शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है तो इसका जो प्रीवियस हाई है 6 USDT ये आपका टारगेट रहेगा, और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप इस कॉइन के अंदर हैं तो अच्छे खासे रैली आपको देखने को मिलेगी वापस से एक बार और डे बाय डे, और आने वाले एक साल के अंदर या दो साल का आपका पर्सपेक्टिव है तो आपको आराम से 20 USDT ये कॉइन देखने को मिल जाएगा, 20 से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो सके, ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड आप टेक्निकल चीज़ें समझ सके, ओवरऑल न्यूज़ आप यहाँ पर जान सके, बाकी प्रॉपर रिस्क प्रॉपर आपका एनालिसिस वगैरह करके ही यहाँ पर एंट्री ले। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। थैंक यू।